डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो के बारे में बात करेंगे कि जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो एनर्जी है उसका फ्लो किस प्रकार से होता है, यानी कि जो फूड चेन है और जो ट्रॉपिक लेवल है उसके अंदर एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है। एनर्जी को हम बात करते हैं कि एनर्जी जो है उसको डिफाइन अगर यदि हम करते हैं तो एक कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कह सकते हैं। ये दो प्रकार की फॉर्म्स में जो है पाई जाती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको कह सकते हैं, या इसको हम स्टोरेज एनर्जी भी कह सकते हैं, और दूसरी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं। तो दो प्रकार से ये पाई जाती है। तो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी मोशन में काम आ रही है, या हम जैसे जो एनर्जी है उसको जो एनर्जी का सोर्स है, जैसे लिविंग एनर्जी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो प्रमुख रूप से जो फूड है उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसके रूप में वो ग्रहण करते हैं। तो जो केमिकल एनर्जी है वो किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा प्राप्त की जाती है, जैसे कि सन के द्वारा जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में सन के द्वारा रिलीज की जाती है, और फिर उसका जो प्रोसेस होता है वो आगे केमिकल एनर्जी के रूप में उसको जो है, जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स उसको ग्रहण करते हैं और उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं और जो ग्लूकोज है उसको स्टोर फूड के रूप में स्टोर करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस एनर्जी को, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको, पोटेंशियल एनर्जी है उसको, फिर जो है अपने आगे जितने भी कार्य जो उसके होते हैं वो उसमें कार्य करने के लिए काम में लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो बात करते हैं कि जो एनर्जी फ्लो है वो जो थर्मोडायनामिक्स है उसके दो रूल्स जो हैं उनके आधार पर कार्य करता है। कि हम ये मानते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये कहता है कि जो एनर्जी है यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट मात्रा में रहती है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रूपांतरित की जा सकती है, जैसे केमिकल एनर्जी जो है या हीट के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो इसको, जो एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये कहता है। दूसरा जो नियम है थर्मोडायनामिक्स का वो ये कि जो एनर्जी है, जैसे हम उसको कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, इसको हम जो ये एक रूप से दूसरे रूप में जब रूपांतरित होती है तो इसमें कुछ ऊर्जा का जो भाग है वो हीट के रूप में उसका ह्रास होता है, यानी कि हीट के रूप में ऊर्जा जो नष्ट होती है। बाकी जो एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो इस चीज़ को हमें समझने के लिए ये हमको एक रूट को फॉलो करना होगा कि जो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, चाहे वो ऑटोट्रॉप्स हो, हेटरोट्रॉप्स हो, या और दूसरे प्रकार के जो आपस में लिंक्ड हैं फूड एनर्जी के रूप में, फूड चेन के रूप में जो लिंक्ड हैं, उनमें जो एनर्जी का फ्लो है वो, उसको हमको समझना होगा। कि हम जैसे कि जो ग्रीन प्लांट है, या उनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं या प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, तो ये सन के द्वारा जो एनर्जी होती है उसको ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में जो प्रोसेस होती है उसके रूप में बाहर निकालते हैं, और जो ग्लूकोज है वो, जैसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो ग्लूकोज का संश्लेषण जो है इसमें किया जाता है। तो जो स्टोर्ड फूड है कि सोलर एनर्जी के द्वारा जो प्लांट ने एनर्जी ग्रहण की थी उसको, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर रूपांतरित कर दिया गया। अब केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी जो भोजन के रूप में
भोजन जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट ने बनाया वो केमिकल एनर्जी है। तो जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं या प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हो। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो है वो केमिकल एनर्जी के रूप में रूपांतरित हो गया है, और जो फूड है वो प्रोड्यूसर से और फिर जो आगे के जो एनिमल है यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता, वो जैसे कि जो इकोसिस्टम पूरा है उसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो प्रोसेस या तो खाने में या जो जंतु जो प्रोड्यूसर है उसके द्वारा जो बनाया भोजन खाता है या फिर उस जंतु को कोई दूसरा जंतु खाता है। तो इस प्रकार से जो इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है एक जो है चेन के रूप में चलता रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखें कि जो रैबिट है उसमें रैबिट मेनली हर्बीवोर्स है, तो ये कोई प्लांट खाता है और इसको इस रैबिट को जो है एक फोक्स के द्वारा जो कि कार्निवोरस है उसके द्वारा इसको खाया जाता है, और जो फोक्स है उसको एक टॉप कार्निवोरस जो लायन है उसके द्वारा इसको खाया जाता है। तो यहाँ पे हम एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो एनर्जी का है वो हम पाते हैं कि सन के द्वारा प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर के द्वारा जो कंज्यूमर है उपभोक्ता है उनकी उन पर जो है एनर्जी का फ्लो चलता रहता है। इस प्रोसेस में हम कंटिन्यूसली देखते हैं कि कुछ मात्रा में जो ऊर्जा है उसका ह्रास होता है, जैसे रेस्पिरेशन में, श्वसन में, पाचन में या मूवमेंट के अंदर, उनमें कुछ मात्रा में जो एनर्जी का जो इसके अंदर ह्रास होता है और उसमें ऊष्मा के रूप में जो है एनर्जी निकल जाती है। तो कुल मिला के हम यहाँ देखते हैं कि जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोई ईच स्टेप है मतलब प्रत्येक जो स्टेप है उसमें फूड चेन के अंदर केवल 10% एनर्जी ही दूसरे लेवल पर पास होती है, और जो 90% एनर्जी है उसका ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम जो देख रहे हैं उसमें इकोसिस्टम का हम जैसे सन को दिखाया गया है, तो सन में जो ऊर्जा सन के द्वारा निकली है उसको जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो प्लांट है ये इसको हमने T1 भी लिख रखा है। T1 का मतलब होता है ट्रॉपिक लेवल 1। तो सन के द्वारा जो ऊर्जा आई है वो कुछ तो हीट के रूप में जो है नष्ट हो गई, बाकी जो ऊर्जा है वो प्रोड्यूसर के द्वारा ग्रहण की गई है, और प्रोड्यूसर के द्वारा जो ग्रहण की गई ऊर्जा है वो जैसा कि आप जानते हैं कि उसके श्वसन पाचन और जो फूड के रूप में जो भोजन बनाने के रूप में ऊर्जा नष्ट होती है, और उसके बाद में ये प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो हर्बीवोरस है या इसको T2 भी कहेंगे ट्रॉपिक लेवल 2 वहाँ पर जाती है, और फिर ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वहाँ पर यानी कि तीसरा ट्रॉपिक लेवल है, तो इनके बीच में और फिर चौथा जो टर्सरी कंज्यूमर है या टॉप कार्निवोरस जिसको हम कह सकते हैं यानी कि प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट है ये T1 लेवल है, फिर प्राइमरी उपभोक्ता जो है उनको हर्बीवोरस कहेंगे या T2 पोषण स्तर कहेंगे, और तीसरा जो सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस होते हैं वो T3 लेवल पे आ गए, और जो कार्निवोरस के ऊपर भी जो है तीसरे कार्निवोरस जो होते हैं टॉप कंज्यूमर जिसको हम कहते हैं वो T4 लेवल में आ गए। तो यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो है प्रत्येक लेवल पर जो है कम होता जाता है, क्योंकि कुछ ऊष्मा जो है आप देख रहे हैं कि इसमें ऊष्मा हीट के रूप में जो है वेस्ट हो जाती है। ऐसे ही जो भी ये पदार्थ जो है जैसे डिकम्पोज होते हैं तो वहाँ पर भी जो है हीट के रूप में ऊर्जा निकल जाती है, तो एक लीनियर सिस्टम के रूप में ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर पास होती है। यहाँ पे एनर्जी फ्लो को समझाने के लिए कुछ मॉडल दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बॉक्स पाइप मॉडल जो एनर्जी फ्लो का दिखाया गया है उसमें प्रमुखतः यह क्या है कि जैसे जो सोलर रेडिएशन है वो ऑटोट्रोप्स के द्वारा ग्रहण की जाती है, ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है ग्रीन प्लांट। तो यहाँ से जो ग्रोथ प्रोडक्शन है जैसे संख्या में इसको दिखाया गया है 111.0, तो ये जो एनर्जी सोलर के द्वारा जो ऑटोट्रोप ने ग्रहण की उसके बाद में ये इनमें से कुछ एनर्जी डिकम्पोजिशन में चले जाती है, 70% एनर्जी नॉन यूटिलाइज होती है और 23% जो है इसके अंदर रेस्पिरेशन में चली जाती है। तो जो दूसरा जो ट्रॉपिक लेवल इसमें हर्बीवोरस का है
वहाँ पर जो टोटल एनर्जी का 15.0% जो है ये इसके अंदर जो हर्बीवोरस है उसमें जाता है। इसी प्रकार जब दूसरा जो ट्रोपिक लेवल है जैसे कार्निवोरस जंतु है उनमें 3.0 जाता है, क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी जो हीट जो है डिकम्पोजिशन में 7.0 जो है नॉट यूटिलाइज हो जाती है, 4.5 रेस्पायरेशन में चली जाती है। तो इस प्रकार जो एनर्जी है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हुए कम होती जाती है। तो इसी प्रकार जो थर्ड लेवल में या डिकम्पोज जब ये होगा तो उसमें भी डिकम्पोजिशन में और 1.2 नॉट यूटिलाइज हो जाती है और 1.8 जो है रेस्पायरेशन में चली जाती है। तो यहाँ पर जो मॉडल जो बॉक्स पाइप मॉडल जो दिखाया गया है वो केवल आपको एक सतत प्रवाह के रूप में जो एनर्जी को फूड चेन जो जुड़ी हुई है उसमें एनर्जी का एक सतत प्रवाह दिखाया गया। तो इसमें जो मॉडल दिखाया गया है एक पाइप के रूप में दिखाया गया है और जो ऊर्जा है या जो वेस्ट जो एनर्जी होती है उसको श्वसन में उत्सर्जन में तो इनको बाहर के रूप में जो है दिखाया गया। इसी प्रकार से दो दूसरा जो मॉडल है इसमें सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल, तो ये जो सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल आप देख रहे हैं उसमें जो मॉडल है उसमें ये एक पाइप के रूप में जैसा आपको दिखाया गया है ये जो साइड का आप देख रहे हैं नीचे की तरफ इसमें हीट निकल रही है, रेस्पायरेशन में भी जा रही है और जो इसका दूसरी जो क्रियाएं हैं उसमें भी ये एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जो बॉक्स दिखाए गए हैं वो चौड़े दिखाई दे रहे हैं यानी कि एनर्जी का लेवल वहाँ पर ज़्यादा है और दूसरे बॉक्स में जो छोटा बॉक्स है उसमें कम है और उत्तरोत्तर फिर ये कम होता जाता है, यानी कि प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर जो होते हैं वहाँ पर एनर्जी का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी प्रकार ये वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल है, इसमें सनलाइट जैसे ऑटोट्रॉप के द्वारा ग्रहण की जाती है और फिर जो है ऑटोट्रॉप से फिर हर्बीवोरस और हर्बीवोरस से प्रीडेटर यानी कि ये ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो उसमें एनर्जी का फ्लो है। दूसरा जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ऑटोट्रॉप से फिर डिकम्पोजर और डिकम्पोजर से प्रीडेटर यानी कि ये डेट्रिटस फूड चेन है जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो मॉडल है उसमें एक ग्रेजिंग और डेट्रिटस फूड चेन है उसको दिखाया गया है। तीसरा जो मॉडल है इसमें नेक्स्ट जो यूनिवर्सल मॉडल है आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सल मॉडल जो सार्वत्रिक प्रकार का मॉडल है और ये ईपी ओडम के द्वारा 1983 में दिया गया था जिसमें ये सभी पॉपुलेशन कम्युनिटी और जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं एनिमल्स हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या इंडिविजुअल कोई भी पॉपुलेशन हो उन सब के लिए ये लागू होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बायोमास है वो ऊर्जा के प्रवाह को इसके अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो एनर्जी है इंजेशन एसिमिलेशन प्रोडक्शन और ग्रोथ और कुछ एनर्जी जो स्टोर के रूप में भी दिखाई गई है। तो यहाँ पे जो इस मॉडल में जो प्रमुख रूप से दिखाता है कि जो इनसे जो नलिकाएं निकली रहती है वो उनमें जो मेन नलिका इसमें दिखाई दे रही है उसमें कुछ स्तर इसमें जो प्रकाश संश्लेषी वाला है और कुछ जो आगे की तरफ जो ऊर्जा उपलब्ध होगी उसको दर्शाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषी जो पादप हैं उनमें जो प्रकाश होता है और प्रमुख पदार्थ जो है प्रकाश हो सकता है और ऐसी प्रकार से जो हेटरोट्रॉपिक जो प्लांट होते हैं या हेटरोट्रॉपिक जो जीव होते हैं उनमें कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है। तो जो नलिका आप देख रहे हैं उसको हमने दो भागों में बांटा हुआ दिखाई दे रहा है, जो नलिका वन है उसमें ये दो प्रकार से दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ भाग एनर्जी का जो है एसिमिलेट हो जाता है यानी स्वांगीकृत किया जा सकता है, कुछ भाग नॉट यूटिलाइज हो रहा है इसका और जिसे प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। जो ए वाला पार्ट है वो उसको जो एनर्जी स्वांगीकृत होती है या एसिमिलेट होती है उस ऊर्जा को जो है वापस में या रिजर्व बाद में जो है पुनः जो बायोमास है उसमें रेस्पायरेशन के लिए काम में लिया जा सकता है और जो बची हुई जो शेष उत्पादन होता है वो जो इसके पी के रूप में जो आ जाता है प्रोडक्शन के रूप में जो इसकी ग्रोथ के लिए और जो उत्कों की जो वृद्धि होती है उसके लिए काम में आ जाता है।
इसी प्रकार इसमें एस एनर्जी जो स्टोरेज के रूप में दिखाई गई, स्टोरेज जो यहाँ पे लिख रखा, तो वो ऊर्जा भी जो है उसमें से भी कुछ एक्सक्रीटेड हो जाती है, जो हीट के रूप में निकल जाती है। तो ये सारी जो यूनिट्स होती हैं एक इकोसिस्टम का निर्माण करती है और उसमें ऊर्जा प्रवाह को बताती है। यहाँ पे हम जो सारे मॉडल्स जो देखते हैं उन मॉडल्स का जो एनर्जी फ्लो का जो सिस्टम है उसमें यही है कि जो एनर्जी है एक स्तर से यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% ऊर्जा ही काम में आती है, और जितना ट्रॉपिक लेवल की संख्या बढ़ती जाती है वहाँ 3 या 4 जैसे, तो उसमें ऊर्जा का जो है लगातार ह्रास होता रहता है। तो इस प्रकार से जो एनर्जी फ्लो है वो एक इकोसिस्टम के अंदर लीनियर रूप से चलता रहता है। थैंक यू।